एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रेयांश और लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की परीक्षा सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा को देते हैं और सपना देखते हैं कि आईएएस या आईपीएस का पद हासिल करेंगे। ऐसे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईएएस और आईपीएस में से कौन सा पद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसके जरिए आप ब्यूरोक्रेसी में एंट्री करते हैं। आईएएस में चुने गए उम्मीदवार विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या जिलों के मुखिया होते हैं। आईएएस अफसर भारतीय नौकरशाही के सबसे बड़े पद कैबिनेट सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। वहीं आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस के जरिए आप पुलिस महकमे के आला अफसरों में शुमार हो सकते हैं। इनमें ट्रेनी आईपीएस से डीजीपी या इंटेलिजेंस ब्यूरो सीबीआई चीफ तक पहुंचा जा सकता है। यूपीएससी परीक्षा 3 माध्यम से आयोजित की जाती है। इनमें 3 लेवल होते हैं, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। आईएएस बनते हैं मेडल मिलता है और जब आईपीएस बनते हैं तो स्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करते हैं। एक आईएएस अधिकारी को सरकारी विभाग और कई मंत्रालयों का काम दिया जा सकता है। वहीं आईपीएस अधिकारी पुलिस विभाग का काम करता है। वहीं अगर सैलरी की बात करें तो आईएएस की सैलरी आईपीएस की सैलरी से ज्यादा होती है। साथ में कमीशन के बाद की बात करें तो आईएएस का वेतन 56,100 से 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है। उसके साथ कई सुविधाएं भी दी जाती हैं। वहीं आईपीएस का वेतन 56,100 रुपए प्रति माह से लेकर 2,25,000 रुपए प्रति माह तक हो सकता है। आपको बता दें, एक क्षेत्र में आईएएस एक ही होता है, वहीं आईपीएस एक से अधिक हो सकता है। आईएएस आईपीएस दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही सर्वोच्च होता है और दोनों ही बहुत शक्तिशाली पद हैं। लेकिन आईएएस एक डीएम के रूप में काफी शक्तिशाली होता है। वहीं एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का मुखिया भी होता है। आईएएस तथा आईपीएस के शुरू के 3 महीने की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में होती है, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं। उसके बाद आईपीएस प्रशिक्षुओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद भेजा जाता है, जहां उसे पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं पहले बता चुका हूं कि जो उम्मीदवार आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करता है उन्हें मेडल और आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले उम्मीदवार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। वहीं तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज्यादा मुश्किल होती है, जिसमें घुड़सवारी, परेड और हथियार चलाना शामिल होता है। यह पता होना जरूरी है कि आईएएस और आईपीएस में नियंत्रणकर्ता कौन है। वहीं आईएएस का नियंत्रणकर्ता कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय होता है। वहीं दूसरी ओर आईपीएस का नियंत्रणकर्ता गृह मंत्रालय होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, दूसरों का ख्याल रखिए।